अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की न्यू वीडियो करते हैं आगाज़। यार एक वाइट मुर्गी नजर नहीं आ रही, सब तो हैं, एक वाइट मुर्गी नजर नहीं आई। ब्लैक वाली तो इधर बैठी है, वाइट मुर्गी नहीं, वंडा देने सामने बैठी हुई है। तो यार आज आपके भाई ने एक मस्त प्लान सोचा है। तो कल रात को फार्म की अखीर सफाई हो चुकी है, तो आज आपके भाई ने एक मस्त प्लान सोचा है। यार ये फार्म हर दो दिन में गंदा हो जाता है, सही है, तो उसको अभी एक परमानेंट साफ करने का सोचते हैं। तो अभी मैंने सोचा है कि यार ये जो किले हैं ना, यहाँ भी मैं बकरियाँ बांध दूँ, इनके लिए जाता हूँ, रस्सियाँ लाता हूँ, खाना लाता हूँ और बाल्टियाँ लाता हूँ, ये मिलते हैं रास्ते में। यार किस बहाने से गए थे, मैंने बोला जो टायर नहीं होता बकरियों के लिए, आज मैंने सोचा था कि वो टायर लेके आऊँगा, टायर वो जो बकरियाँ जिसमें खाती हैं साथ ही, तो उस बहाने से गया था और फिर ढूंढा, वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो इससे अच्छा आपको उससे डबल एक्सपेंसिव करके मैं VIP किस्म का सेटअप करके ये ले आया। ये देखें, ये बड़ा अफीब हो गया। अभी बकरियाँ इसमें खा सब कुछ नहीं है, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं, तो अब इनके लिए चारा बनाते हैं, वो इसमें डालते हैं, देखते हैं लोग खाती हैं कैसे शौक से कहने। ये देखें इसको देखें। अबे इन बेचारियों को भी नहाने के लिए पूल बनाना पड़ेगा यार, वरना तो इनकी ये देखें कबूतर फिर से बाहर आ गए भाई, माशाल्लाह से इनको पानी। आज पूरी जगह को आपके भाई ने गीली कर दिया, इस वजह से कि यार गर्मी है, जी लेने दें इन बेचारों को भी पानी भी, इनको तीन तीन जगह का, एक वो सामने पड़ा भाई, देख रहे वो सामने, देखें ये सामने। और आज यार इसकी बड़ी खुशी हो रही है आपके भाई को, माशाल्लाह एस्थेटिक काम कर दिया, पहले चारा जाया होता था, अब नीचे एक भी चारे का नुकता नहीं है, सारा है, देख रहे ये देख रहे हैं। खाओ बेटा खाओ, रच के खाओ 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 खाओ, ये देख रहे हैं। अभी ये लोग अखीर करके खा लेंगे, फिर उसके बाद खाने का मज़ा आएगा ना, फिर ये लोग यहीं पर देखें, पहले ये लोग ज़मीन पर बिल्कुल यूँ करके खा रहे होते थे, बिल्कुल नीचे करके बाल्टी होती थी, अब ये एस्थेटिक काम हो गया। अब इनके लिए देखिए उसको कुंडे भी लगा दिया, अगर मैं कल को इनको रस्सी में बांधना चाहूँ ना तो बांध भी सकता हूँ, लेकिन मैं इनको बांधूँगा इसलिए नहीं कि तो फिर ये खुली नहीं है इनको, मतलब ये हमेशा खुली ही रही है, तो अभी इनको बंद रखूँगा ना, फिर ऐसे कैदी वाला हिसाब हो जाएगा। तो ये तीन है, चौथा कहाँ गया, बकरा भाई फुल मस्त पूरा खा के पेट भर के आराम से बैठ गया, और बबलू तो हटा ही नहीं है, वो हट गया, ये बबलू इस पहले टाइम से लगा हुआ है, अभी तक लगा हुआ है। बाकी सारों को बाजा वगैरह डल गया, खाना वगैरह डल गया, सही है माशाल्लाह। दोनों कितने बड़े हो गए, इतने छोटे छोटे लाए थे हम लोग, ये लोग भी बड़े हो गए। तो यार अब बस क्या करते हैं, वो बत्तख हो गए देखें, कबूतर भाई जंगली हो चुके हैं, अभी इनको मैं बाहर छोड़ते हैं, लोग बाहर ही घूमते रहते हैं, और इनका कोई काम ही नहीं है। खरगोश बेचारे आगे पीछे हो गए, इनको पता नहीं यार खरगोशों का मौसम नहीं है क्या नहीं, खरगोशों को भी अलग से दाना डालना पड़ेगा, क्यों खरगोश अभी इसमें तो चढ़ नहीं सकते, मुर्गियाँ चढ़ सकती है, खरगोश वगैरह ये चीज़ों से चढ़ नहीं सकते। ये जगह गीली कर दी, उसके बावजूद भी ये लोग हाँ पे, अगर जगह गीली नहीं करती है तो गर्मी से मर जाते। मज़ा आ रहा है भाई, VIP सीन हो गया, इसकी आज बड़ी खुशी है। लेना बोलते हैं ना जो नसीब में वो मिलता है, लेकिन मेरी नीयत थी वो, मैं नहीं टब लूँगा, पैसे में लेके गया था, मैंने बोला वो रबड़ वाला टब नहीं होता वो लूँगा, उसके अलावा रस्सी लूँगा, पाइप लूँगा, इन सबको मैं वो पहना के इनका बंद कर दूंगा, क्यों कल फार्म साफ किया था पूरा, इतनी गंदगी हो रही थी, आज फिर गंदा हो रहा है। तो भाई ने, बड़े भाई ने बोला यहाँ तुम चार चार बम्बू लगाओ ऐसे करके कि लोग टाप नहीं पाए, सही है, मैंने बोला ये कर लूँगा, बोलते हैं यहाँ भी लगा दे दरवाजा, ये लोग बंद करो, इनके ये जगह भले गंदा करे, छोटा एरिया है इनके लिए,
अचानक तुम इनको बंद करोगे फिर सेज जो थोड़ी बहुत पकड़ने शुरू हुई है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में भी यही ख्याल था, अब देखते हैं होता है क्या, जो नसीब में होगा वो होगा। लेकिन ये बात फिर जब मैं आ रहा था तो ये मेरे को नजर आया, तो मेरी ये जेनियत थी कि यार कोई 8 से 10 हज़ार रुपये तक की यकीन सारे लकड़ियों में था, लेकिन ये थोड़ा सा उससे चीप हो गया और माशाल्लाह अच्छा भी हो गया और ये लोग खुश भी हैं इसको देख के। तो बस इनकी खुशी में हमारे आपका भाई एक चीज़ तो भूल ही गया था, तो वो चीज़ भूल गई मैं। अबे ये भी होगा अभी यहाँ पे, ये तो नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि ये अभी नई नई चीज़ लाएँ थोड़ा सा उसको इज्जत से लो इस्तेमाल कर लें। तो जो चीज़ होने दे नहीं देनी थी ना मैंने, वो क्या चीज़ थी पता है? ओ ये कितना गंदा हो रहा है, वाह वाह कितना गंदा हो रहा है, वाह ओ भाई, ओ भाई सिम्बा जो वो ओके, इसको धोते हैं, इसको कैसे धो, इसको ऐसे धोते हैं कि इसको पहले यहाँ से देखें पानी मारते हैं इसको थोड़ा सा, या इसको इसके अंदर ही कर देते हैं, बकरियों को वापस से रीफिल कर देंगे भाई। ये ले तो माशाल्लाह काफ़ी कम हो गया, दिन ब दिन ख़त्म ही हो गया, इन लोगों ने चाट चाट के बर्बाद कर दिया। अब ये जो पड़ा रहेगा ना ये देखें, अब यहाँ इसको चाटते हुआ ये देखें बकरियाँ अभी इस पर चिपक जाएंगी। ये लो चाटो। तो यार बस इस व्लॉग को भी एंड करते हैं, क्योंकि यार अभी थोड़ी देर में आपका भाई शादी पे निकल जाएगा, शादी पे मंडे निकल जाऊंगा, लिफाफा भी देना है, इसी बात का दुख क्या लिफाफा क्यों लेते हैं लोग। तो बस इस व्लॉग को एंड करते थे, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब मत भूलना, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।